Assalamualaikum everyone, Dua Khan is here. Welcome back to my YouTube channel. So, कैसे हैं आप सब? आज जो मैं लुक क्रिएट करूँगी वो है मेहंदी मायों. मेहंदी मायों में गर्ल्स शरारे पहनती हैं, तो मैंने मेहंदी मायों में ग्रीन कलर का शरारा, ग्रीन और रेड है, और येलो कलर का दुपट्टा वियर किया है. सो लेट्स स्टार्ट मेकअप. फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डास मुमताज टाइमलेसेस ब्यूटी लास्टिंग कवर फाउंडेशन. तो इसे आप फाउंडेशन लगाने के पहले आप अपने फेस पे डॉट करें, और फिर आप जैसे भी फाउंडेशन लगाना चाहते हैं वैसे लगा लें, लेकिन अगर डॉट डॉट करके लगाएं तो काफ़ी अच्छी तरीके से लगेगी. और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें. फिर उसके बाद ब्लश लगाऊंगी. ब्लश लगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेनिफर पाउडर सिल्क ब्लशेस. तो यहाँ पे इसमें चार ब्लश हैं, तो मैंने बीच वाला जो पर्पल, डार्क पर्पल पिंक सा ब्लश है वो मैंने अपने फेस पर अप्लाई करा है. वो अच्छी तरीके से ब्लश मैं अप्लाई करूँगी. तो ब्लश अप्लाई हो गया है, उसके बाद मेरा फेस बहुत चिट्टा सा लग रहा था. चिट्टा मतलब वाइट सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आउटलाइन लगा लूँ. आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नॉट की पेंसिल है, बहुत खूबसूरत सी पेंसिल है. आई पेंसिल बना सकते हैं और लिपस्टिक आउटलाइन भी आप इससे बना सकते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि अब आउटलाइन लगा ली है तो लिपस्टिक भी लगा लेते हैं. लिपस्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी लिपस्टिक है, इसका शेड बहुत खूबसूरत सा है. लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत कैंडी जैसी थी, बहुत अच्छी, जैसे कि मैं खा जाऊँ ऐसा लग रहा था. तो ये है प्योर एडिशन लिपस्टिक, बहुत अच्छी सी लिपस्टिक है. ये भी मैंने सेंसेशन से ही बाय की थी लिपस्टिक. तो ये लिपस्टिक मैं लाइट लाइट करके लगाऊंगी और अपने फिंगर से ही इसे ब्लेंड करूंगी. उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी. आईब्रोज मैं इतनी ज़्यादा फिल नहीं करूंगी, पहले से ही मेरी डार्क आईब्रो है. तो आईब्रो आप अपनी आईब्रो के मुताबिक आप उसे फिल करें, लाइन ड्रॉ करें, नीचे पहले कॉम करें, फिर लाइन ड्रॉ करें, फिर उसके बाद ब्रश से ब्लेंड करते जाएँ, तो आपकी आईब्रो सेट हो जाएगी, ठीक है. और फिर उसके बाद मैं शेड के लिए यहाँ पे पीची सा शेड लिया है, लाइट पीची सा शेड है, ये बहुत ही लाइट है. तो इसे मैंने फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा फिंगर से ब्लेंडिंग होती है अच्छी और जल्दी. तो ये न्यूट रिच हुदा ब्यूटी की आई शेड पैलेट है, छोटी सी क्यूट सी, बहुत प्यारे खूबसूरत से कलर है इसमें. और फिर उसके बाद सेकंड मैं पीची शिमरी शेड लूँगी और इसे अपनी आई की बोल पे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी. शिमरी सा शेड आने के लिए आई मतलब आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे शिमरी आई बोल पे अप्लाई करूँगी. दो शेड हमने लगा लिए, तो इसके बाद ये पीची सा शेड लगा लिया और शिमरी सा शेड लगा रही, पीची शिमरी. उसके बाद मैं यहाँ पे मैरून शेड ले रही हूँ. मैरून शेड लगाने के लिए अपनी आई की क्रीज लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर उसे फिंगर से ही ब्लेंड करती जाऊँगी, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, क्योंकि जितनी ज़्यादा आई शेड में आप ब्लेंड करेंगे और कम थोड़ा थोड़ा सा आप शेड लेंगे और फिर उसे ब्लेंड करते जाएंगे, तो फिर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा आई मेकअप होता है, ठीक है. और फिर मेरी जो आई से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं गोल्डन ग्लिटर्स लगाऊं, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा हैवी इसके गोल्डन ग्लिटर नहीं चाहिए थे. लेकिन मैंने यहाँ पे गोल्डन और येलो जो ग्लिटर होता है, मतलब कि ये गोल्डन ही है लेकिन ये लगाने के बाद येलो शेड लग रहा था, तो मैंने इसे सिर्फ अपनी हाफ आई बोल पे इसी ब्रश से अप्लाई करा. इसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका जो कैप था वो मुझसे खो गया है, तो मुझे नाम इसका नहीं मालूम. लेकिन आप कोई भी ग्लिटर वगैरह ले सकते हैं, उसे लगा सकते हैं. और फिर उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ. मस्कारा है कराजा की, बहुत अच्छा मस्कारा है कराजा का. कराजा का फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है. अब मैं हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो का हाइलाइटर है ये, और इसमें चार शेड हैं. पहले मैंने ढोलकी में मैंने सिल्वर लगाया था हाइलाइटर, लेकिन अब मेहंदी मायों में गोल्डन पीची सा आप हाइलाइटर लगाएं. अगर आपको जो हाइलाइटर पसंद है आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गोल्डन पीची सा हाइलाइटर लगा रही हूँ अपनी आई की इनर कॉर्नर पर भी और चिक्स पर भी, ठीक है. सो माई मेकअप हैज डन, यू मे सी. अब मैं व्यूवर्स हेयर पिन से सिंपल हेयर स्टाइल बनाऊंगी, और व्यूवर्स अब आप मुझे देखेंगे हेयर स्टाइल विथ ज्वेलरी. सो व्यूवर्स, हाउ यू लाइक मेहंदी मायो मेकअप?
बहुत सॉफ्ट मेकअप है, बहुत इजी मेकअप है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काइंडली व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मस्ट बी कमेंट हाउ यू लाइक मेहंदी मायो मेकअप सॉफ्ट मेकअप। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली।